नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव जानकारी देने वाले हैं जो भारत की सभी आंगनबाड़ी बहनों के पास होनी चाहिए। इस खबर में बताया गया है कि आप सभी का मानदेय कितने दिनों के बाद बढ़ सकता है या आपका मानदेय कितना होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही जानकारी बड़ी है, इसीलिए हमारी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रही हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको सभी जानकारी मिल जाएगी कि इसमें क्या क्या बताया गया है। साथ ही हम आपको बता दें कि वीडियो में दी गई जानकारी भारत की सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए होने वाली है। यह न सिर्फ छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी बहनों के लिए, लेकिन यह बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मतलब जितनी भी आंगनबाड़ी बहनें हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों के लिए होने वाली है। इसीलिए आप इस वीडियो को बीच में रोकिएगा मत, स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन कार्यरत केंद्र व राज्य सरकार की संयुक्त मानदेय से जीवी परियोजना कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका के लिए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार बड़ी सौगात दे सकती है। शासन की घोषणा अनुरूप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि के बजट पर चर्चा के लिए कोई निर्णय लाने जाने वाली संभावना बन रही है। हालांकि कोई निर्णय होने से पहले कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री से विभागीय मंत्री श्रीमती अनिल भेड़िया की आज होने वाली चर्चा और दिए गए बजट प्रस्ताव पर मुहर लगाती है, तो इन्होंने कलेक्टर द्वारा पर मानदेय भुगतान सुनिश्चित होगा, इसके बाद बजट में कलेक्टर द्वारा पर मानदेय घोषणा हो सकती है। सूत्रों में मिली गई जानकारी के मुताबिक महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर संयुक्त संचालन के बजट द्वारा प्रदान करने की संबंधित प्रस्तावना दी गई है। यहाँ पे बताया जा रहा है, लिखा गया है, हालांकि कोई निर्णय होने से पहले कुछ कहना उचित नहीं है, मतलब मानदेय बढ़ाने की बात तो हो रही है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि मानदेय 100% बढ़ेगा। मतलब इसमें बताया गया कि 100% मानदेय बढ़ने की बात नहीं हो रही है, लेकिन आप सभी का मानदेय बढ़ेगा इसी की बात यहाँ पे चल रही है। लिखा है छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ द्वारा मंच द्वारा 23 जनवरी से हड़ताल शुरू की गई, जो बजट पर होने वाली चर्चा के मांगों को रखे जाने के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय श्रीमती अनिल भेड़िया द्वारा किए गए आश्वासन के बाद रायपुर से हटा लिए गए। यहाँ बताया जा रहा है कि 23 जनवरी से हड़ताल शुरू की गई थी, जो बजट पर होने वाली चर्चाओं को मांग रखने के संबंध में की गई है। नीचे बताया गया है, हालांकि सरकार की घोषणा इंतजार में हड़ताल आज भी जारी है। 27 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ विभागीय मंत्री की बजट पर होने वाली चर्चा के बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा या स्थगित किया जाएगा। इस पर संघ अपना निर्णय लेकर फिलहाल मानदेय वृद्धि के लिए बजट में दिए गए प्रस्ताव की जानकारी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की उम्मीद कायम है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश पाल हितकर व संवेदनशील निर्णय लेने वाले हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 27 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ विभागीय मंत्री की बजट पर होने वाली चर्चा के बाद आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा या स्थगित कर दिया जाएगा। यहाँ पे बड़ी बात की जा रही है कि जब चर्चा की जाएगी उसके बाद या तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा या उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। इस पर संघ अपना निर्णय लेगी, साफ साफ यहाँ पे लिखा जा रहा है। इसके बाद लिखा है, फिलहाल मानदेय वृद्धि के लिए बजट में दिए गए प्रस्ताव की जानकारी से कार्यकर्त मिनी आंगनबाड़ी व सहायिका बहनों की उम्मीद कायम है। मतलब आंगनबाड़ी बहनों का जो मानदेय है उसकी उम्मीद ज्यादा है कि उनका मानदेय है उसको बढ़ाना है, इसी की बात यहाँ पे दिखाई जा रही है, यहाँ बताई जा रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 100% मतलब 100% आंगनबाड़ी बहनों का जो मानदेय है उसको बढ़ाने की बात तो नहीं हो रही है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों का जल्दी मानदेय बढ़ने वाला है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है जो अभी आपने इस वीडियो में देखा। तो हमें आशा के साथ पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी और नई जानकारी मिली होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आंगनबाड़ी बहनों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण और यूजफुल जानकारी सभी आंगनबाड़ी बहनों के पास होनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।